बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री को मौसमी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ने आवेदन दिया, मंत्री ने दिया भरोसा। जी हां, आपको बता दें कि पूर्वी कोसी मुखी नरवीरपुर के कार्यरत मौसमी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ने विभाग पर शोषण का आरोप लगाया। साल के 365 दिन के बदले मात्र 200 दिन ही काम लेते हैं, यही कारण है कि इनके परिवार में भुखमरी की नौबत पैदा हो गई है। गुरुवार को बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री बीरपुर स्थित कोसकी भवन में बाढ़ पूर्व तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने मौसमी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ने अपनी समस्याओं को लेकर विभागीय मंत्री संजय कुमार झा को एक ज्ञापन सौंपा, तो वहीं मंत्री झा ने उक्त कर्मचारी को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के सिंचाई मंत्री बाढ़ व पूरी तैयारी का जायजा लेने दो दिवसीय दौरे पर बीरपुर पहुंचे, जहां पर इसी कार्यक्रम में उक्त कर्मचारी ने अपनी मांगों का आवेदन मंत्री झा को देकर न्याय की गुहार लगाई है। किस मामले को लेकर आपने मंत्री को आवेदन दिया? हम लोग आज आवेदन दिए हैं, माननीय सिंचाई मंत्री को आज आवेदन इसलिए दिए हैं कि हम लोग 2012 से मौसमी दैनिक वेतन भोगी कहकर हम लोग को रखा गया पदाधिकारी द्वारा, ठीक है, पदाधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देश पर हम लोग को यहाँ पर रखा गया है। जो हम लोग किसान को सुचारू ढंग से अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने का कार्य करते हैं, और अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने का हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग की ऐसी स्थिति है कि 7-210 दिन हम लोग का से कार्य लिया जाता है, शेष दिन हम लोग को भटकाव की स्थिति बनी रहती है। अगर बाहर भी लोग कमाने जाते हैं तो कितने दिनों से हैं इस विभाग में? इस विभाग में हम लोग 2012 से हैं। क्या कोई चिट्ठी उठी है आपके पास? जी चिट्ठी है मेरे पास। विभाग आपको बहाल की है? जी पदाधिकारी, हाँ, विभाग के सरकार के निर्देश पर विभाग बहाल की है। क्या नाम हुआ आप लोग? मेरा नाम हुआ चित्रंजन पांडे। मेरा नाम मोहम्मद इसराइल अंसारी। कितना आदमी है आप लोग? हम लोग लमसम 3600 कर्मचारी पूरे ये पूर्वी कोसी क्षेत्र में। कितना? 3600 जी हूँ पूर्वी कोसी क्षेत्र में, और ज़्यादा ही होगा हम लोग के अनुभव में जो जानकारी है। ये जो आवेदन आपने दिया, अगर इस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर आप लोगों का आगे का क्या रणनीति होगा? आगे का रणनीति हम लोग सरकार तक आगे रणनीति बनाएंगे, सरकार को तक पहुंचेंगे। अगर सरकार हम लोग के बात को नहीं मानेगी, हम लोग धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। ये TV1 इंडिया न्यूज के लिए जुबैर अंसारी की रिपोर्ट, बिहार।